हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप? समस्या शेयर करना है। रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी न्यू किचन का टूर वीडियो। इससे पहले मैंने हाउस टूर वीडियो और अपना बेडरूम टूर वीडियो डाल दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। ये मेरा नया हाउस है ससुराल का जो बना हुआ है, इसका गृह प्रवेश का ब्लॉग भी बना दिया है, अगर वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका क्लीनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि पहले कैसी हालत में थी और अब तो आप देख ही सकते हो कि अभी कैसी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना जो फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो शेयर करने जा रही हूँ कि मैं समर्स टाइम में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। और ये मॉइस्चराइजर आपके लिए भी एकदम परफेक्ट होगा। अगर आपको भी किसी भी तरीके की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अभी आप सोचोगे कि समर्स चल रहा है तो मॉइस्चराइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मतलब ऑलरेडी से स्वेटिंग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समर्स में भी उतनी ही ज़्यादा स्किन को हमारे हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से स्किन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं इस वाले मॉइस्चराइजर से। ये है ममाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइज़र में किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसे पैराबिन, सिलिकॉन्स, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है और ममाअर्थ की जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और एक ये इंडियन ब्रांड भी इस वजह से मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल्स वाले प्रोडक्ट लगाना अपनी स्किन पे बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्किन हो गया चाहे हेयर हो गया, मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही, नेचुरल प्रोडक्ट ही पसंद करती हूँ, आप ये बोल लो। तो इस तरीके से मैं रिकमेंड भी करूँगी और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपनी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट ना लगाएं, नेचुरल प्रोडक्ट लगाएं और जो अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ हैं वो प्रोडक्ट लगाएं। तो ममाअर्थ में सारी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती, तो इस वजह से मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको क्यों ना इस मॉइस्चराइजर के बारे में नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि दी आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बता ही देती हूँ कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, फेस वॉश किया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है बस, और मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ ये विटामिन सी का ऑयल फेस मॉइस्चराइजर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ दिनों से मेरे फेस पे दानों की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो मैं ये वाला जो ये एक्ने और पिंपल्स वाला है ना, ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो अगर आपकी स्किन पर भी बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं और दाने हैं इस तरीके के कील मुहासे, तो आप इसको अप्लाई करना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही थी। फिर ये है ममाअर्थ का टी ट्री मॉइस्चराइज़र। ये टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। ये भी पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड ये भी हर तरीके की स्किन में ये सूट करेगा। तो अगर आपको पिंपल्स की और एक्ने की प्रॉब्लम हो रही तो इसको ट्राई करके जरूर देखना। फिलहाल मेरे जो आप स्किन देख सकते हैं एकदम क्लियर हो चुकी है, तो मैं ये विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। दोनों ही मॉइस्चराइजर बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से हैंड पे ले लेना है और अपनी स्किन पर ऐसे डैप डैप करना है, और नॉर्मली लगाना तो सभी को आता होगा ऑब्वियसली, और बस हल्के से अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल भी मतलब स्टिकी नहीं है, चिपचिपा नहीं है और इतना लाइट वेट है ना, इतना सॉफ्ट, इतना लाइट फील होता है, स्किन पर लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ लगा के रखा हुआ है। और वैसे भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है तो गर्मियों के लिए एकदम बेस्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसको लगाने के बाद एकदम स्किन सॉफ्ट सी फील होती है, एकदम मॉइस्चराइज सॉफ्ट सी फील होती है। और वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, इसको आपको एकदम क्लीन फेस पे जब आप फेस वॉश कर लो या नहा लो तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ड्राई क्लीन एंड ड्राई फेस पे। इसको आपको मेकअप करने के बाद अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ भी मेकअप नहीं था। आप ऊपर से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी क्रीम वगैरह, फाउंडेशन वगैरह ईजिली अप्लाई कर सकते हो, तो आपका जो मेकअप है वो भी काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा। ममाअर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की हुई है जिसके ज़रिए आपको बहुत ही इजी हो जाएगा शॉपिंग करना, क्योंकि वहाँ से आपको सेल्स के और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स है वो, उनके बारे में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मिल जाया करेगी। तो आप वहाँ से चेकआउट करके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो ईज़िली। Thank you.
आपको Amazon, नायका एंड पर्पल पे अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ मामाअर्थ की वेबसाइट पर तो है ही। अगर आप इसको मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो आपको एक कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ सारे बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप मामाअर्थ के लिंक से इसको बाय करोगे ना तो आपको 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे कूपन कोड और सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। करूंगी मैं इधर सिंक एरिया से, इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने एक वाइपर रखा हुआ है, छोटी सी डिब्बी में मैंने जो डिश वॉश है वो रख दिया है, उसके बाद एक हैंड वॉश की बॉटल रखी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किचन में, और उस कॉर्नर में मैंने आलू प्याज की टोकरी रखी है जो फिलहाल खाली है, और एक रखा हुआ है स्पून का स्टैंड और इधर रखा हुआ है गैस स्टोव। तो आप देख सकते हैं काउंटर टॉप में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सामान रखा है, एकदम सिंपल रखा है ताकि जब भी यहाँ पर काम हो तो जगह की कोई स्पेस की कमी ना रहे। और इस तरफ जो आप थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं जीने के नीचे का, उधर थोड़ा सा मैस है, वो बाद में क्लियर होगा, उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी मैं, बट वो बाद में मैं करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले ड्रॉर से। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ड्रॉर है उसमें मैंने रखा है चीनी, चाय पत्ती का डब्बा, चाय ऑलमोस्ट मतलब बनती बनती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर ही रख दिया ताकि सामने से इजी उठाना। मसालदानी और हींग और ऑयल का कंटेनर भी मैंने रखा है ताकि जब खाना वगैरह बने तो इजी हो यहाँ से ही, फर्स्ट ड्रॉर से ही उठाना। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रॉर में मैंने कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, एक प्लास्टिक का आप जो डब्बा देख रहे हो पिंक कलर का, सारे बिस्किट और टोस्ट वगैरह, दालमोट वगैरह, पोहा, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। और इधर रखा है सारे ऑयल्स, देसी घी और शायद ये एक डालडा का पैकेट है, तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, वो सारी चीज़ मैंने एक ही जगह रख दी है ताकि ढूंढने में आसानी हो। और हाँ, पता है कि हाँ इसमें केवल ऑयल का सेक्शन है, और साथ ही साथ एक तरफ थोड़ी सी जगह बच रही थी तो मैंने स्नैक्स का आइटम रख दिया। और एक हुक लगा करके मैंने एक ये कपड़ा हैंग कर दिया है, इसको मैंने अंदर की तरफ हैंग किया है ताकि ये बाहर कहीं हैंग करूँ दिखे ना, और यहाँ से ईजी हो जाए, जब आप हल्का सा ड्रॉर खोलोगे आपको कपड़ा मिल जाएगा, तो कुछ भी हाथ वगैरह बर्तन वगैरह पोंछने हो तो ईजी हो जाएगा। और उसके बाद इस तरफ ड्रॉर में आप देख सकते हैं कॉर्नर का शेल्फ है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नमक रखा हुआ है एक डब्बे में, बेसन है और मैदा है, ये जो सामान होता है वो मैंने इस वाले ड्रॉर में रखा हुआ है। और इधर मैंने रखा हुआ है सामने की तरफ एक्स्ट्रा चीनी, और इसमें सारे जो मसाले हैं जो कि एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो सारे मसाले ही मसाले केवल इस डब्बे में भरे हैं ताकि एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज हों, अगर उठाने हो तो फिर यहीं से उठा लो और यूज़ कर लो। तो फिलहाल मैंने कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है, बाकी अगर ज़्यादा सामान आता जाएगा तो इसको मैं अच्छे से अरेंज करके रखती जाऊँगी, फिलहाल मैंने इतने से ही किया है। और ये वाला जो लास्ट आप ड्रॉर देख रहे हो किचन का, इसको सिंक के ऊपर ये था, तो मैंने इसको एज आ मतलब क्रॉकरी बोल लो या मतलब जो भी कांच के आइटम्स हैं उसके लिए मैंने रखा है, एक साइड में अच्छे से एक जगह पर रखे रहेंगे, तो जितने भी कप ग्लास हैं तो बार बार मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही जगह से उठा लिया जाए। और कांच की प्याली वगैरह है, जग है ना, ये सारी चीज़ें, और भी अगर कुछ कांच का आइटम होगा तो इसमें अभी स्पेस है वो भी रखा जा सकता है। तो कांच का जितना भी आइटम है वो मैंने एक सेल्फ में कर दिया है, तो अच्छे से एक जगह ऑर्गेनाइज है और सिंक के ऊपर है, तो कप वगैरह धुलो और ऊपर ही रख दो, या ग्लास वगैरह है ना उठाने की ज़रूरत हो। तो मैंने इस तरीके से सारी जो शेल्फ है ऊपर की वो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज की हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, फ़िलहाल तो मैंने ऐसे की हैं, बाकी अगर इन फ्यूचर कभी कुछ चेंजेस होगा तो वो अपडेटेड टूर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डब्बे रखे हुए हैं और मैंने बाकी ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है ऊपर। और इस तरीके से जो मेरा किचन का ऊपर का एरिया है वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नीचे वाले ड्रॉर की तरफ। तो नीचे वाले ड्रॉर में आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें मैंने रखे हुए हैं सारे बड़े बर्तन मैंने सारे एक जगह रख दिए हैं, कुकर, बड़ी कढ़ाई, तवा, और ये जो तिवाई ना थोड़ी सी हैवी है, पत्थर की तिवाई है इस वजह से, तो मैंने इसको सारे हैवी बर्तन को एक जगह रख दिया है। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने अच्छे से
ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, ज़रूरत पड़े तो हाँ एक ही जगह बड़े बर्तन रहेंगे तो ईजी हो जाएगा यहाँ से उठाना। और इस तरफ ड्रॉर में आप देख सकते हैं जो स्मॉल बर्तन होते हैं, कप ग्लास कटोरी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे वाला प्लेट का सेक्शन है, सारी प्लेट्स वगैरह लगा के रखिए। और ऊपर जो स्पून वगैरह का स्टैंड है वो है। सिंपल ये तीन ड्रॉर हैं, तीनों में ज़रूरत का सामान है। और इसके जस्ट बगल में है सिलेंडर और इधर है कप के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा कप और कुछ भी आप डब्बे वगैरह भी रख सकते हैं। फ़िलहाल कप वगैरह ही मैंने रखे हैं। और इधर रखा है मैंने आटे का एक डब्बा, इसमें आटा रखा हुआ है और एक आटे वाला जो तसला होता है वो उसके ऊपर रख दिया है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने जो किचन है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ जहाँ की थी अपने हिसाब से पूरी अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश की है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये किचन टूर, किचन ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी बोल लो वीडियो, मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा भी पसंद आया बताना, कोई कमी बड़ी हो तो मुझे शेयर करना। आप लोगों के सजेशंस मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।